पता नहीं आज निक्कू क्या क्या पूछेगी, हम तो कुछ पढ़े ही नहीं हैं। अरे रामू ये बता, आज तो तुम्हें तुम्हारा टेस्ट है, तुम कल बोले थे क्वेश्चन हम बताएंगे। हाँ निक्कू, थोड़ा हल्का हल्का पूछना, हम आए हैं थोड़ा सा पढ़ के। ठीक है, तनी बताओ कि परसेंटेज डब्ल्यू डी होता है एक, जब हम किसी चीज़ को प्रिंट करवाते हैं, जब स्कैन ऐप में हम परसेंटेज डब्ल्यू डी भी लिखते हैं, परसेंटेज डी भी लिखते हैं, परसेंटेज डब्ल्यू डॉट सी एफ भी लिखते हैं, परसेंटेज डब्ल्यू डॉट सी एस भी लिखते हैं, इन सब में क्या क्या डिफरेंस होता है थोड़ा बताओ हमको, बताओगे? देखो निकू, परसेंटेज डी जो है सो हम इंटीजर को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, और परसेंटेज डब्ल्यू डी जो है उसमें डब्ल्यू जो है उसको वाइड मतलब चौड़ाई के लिए, वाइड ऑफ इंटीजर कितना बड़ा मतलब इंटीजर लिखेंगे उसके लिए यूज करते हैं, और परसेंटेज डब्ल्यू डॉट सी एफ जो है उसमें W तो वाइड के लिए ही आ गया और D तो इंटीजर के लिए आ गया जो, और F जो है सो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है, और W डॉट सी एस जो है वो फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग इनपुट है, जिसमें W जो है सो वाइड को रिप्रेजेंट करता है टोटल करेक्टर का, और C जो है सो इंसर्टिंग ब्लैंक्स के लिए होता है, और S जो है सो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है, समझे? देखो निकू, परसेंटेज डब्ल्यू डी जो है ना उसमें डब्ल्यू जो है उसको हम वाइड जो चौड़ाई होता है उसके लिए यूज करते हैं, और डी जो है सो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है, और परसेंटेज डब्ल्यू डॉट सी डॉट एफ जो है उसमें डब्ल्यू जो है सो वाइड के लिए ही आ गया, और सी स्पेसिफाई करता है मतलब डेसिमल के बाद कितना डिजिट आने वाला है, और F जो है सो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन हो गया, और परसेंटेज W डॉट सी एस जो है सो फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग इनपुट के लिए है, जिसमें W जो है सो वाइड के लिए ही आ गया, और C जो है सो इंसर्टिंग ब्लैंक्स के लिए है, और S जो है सो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, तब थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करके पढ़ाई करने चले जाइए, आज के लिए इतना ही।